आती है सबको, ये डायरेक्शन सबको समझ में आती है, परफेक्ट। ओके, ध्रुव, ध्रुव बी के ऊपर प्लस क्यू रखा है बेटा और ओ पे क्यू, बताइए मुझे डायरेक्शन किधर बनाऊं, ओ डी की तरफ बनाऊं कि ओ बी की तरफ बनाऊं, क्यों ओ डी की तरफ बेटा, बोलो, परफेक्ट, एंड दे विल रिपेल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके नाउ मन्नत प्लीज टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ओ डी वाली इनवर्ड्स, सेम डायरेक्शन एफ क्यू डी, ठीक है। अब मैं पहले सिर्फ एक फोर्स लिखूंगी, उसके बाद आगे बात करेंगे। अब सबने डायरेक्शंस बना ली, यहां तक सब पहुंचते हैं डायरेक्शंस बना करके। सार्थक एफ क्यू ए लिखना है मुझे, डायरेक्शन नहीं लिखनी है क्योंकि डायरेक्शन तो मैंने बना ली है ना, कोई भी फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या लिखूं, एफ क्यू ए इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू ए क्यू, ए के ऊपर कौन सा चार्ज रखा है तो क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ए ओ का स्क्वायर, डिस्टेंस यही है ना, कौन सा डिस्टेंस है ए ओ का स्क्वायर है ना ये, राइट, दिस इज एफ क्यू ए। ओके नाउ लेट्स गेट टू, कौन रह गया मेरी किससे अभी तक बात नहीं हुई एक बार भी, कार्तिक, कार्तिक हाँ, एफ क्यू सी बताइए जरा, एफ क्यू सी क्या लिखूं, नेगेटिव साइन विल नेवर कम फॉर द मैग्नीट्यूड, ओके के क्यू क्यू अपॉन ओ सी का स्क्वायर। नाउ ओ ए एंड ओ सी ऑल आर इक्वल, ओ ए एंड ओ सी ऑल आर इक्वल क्योंकि स्क्वायर है ना, डायगोनल है और उसके बाद वो इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे, तो साइड सेम होगी। अगर हम एफ क्यू बी लिखना है, क्या लिखूं, क्यू के क्यू क्यू अपॉन बी ओ बी का स्क्वायर है ना, ये सारे सेम है बट स्टिल मैंने एक बार सारे फोर्सेस आपके सामने लिख दिए, ऑल दीज फोर्सेस आर इक्वल, क्यू बी वाले में ओ बी तो होगा ना बेटा, जब क्यू डी लिखेंगे तो ओ डी लिखेंगे ना, जब मैं एफ क्यू, हाँ बोलो, जो क्यू बी है वो क्यू और बी के बीच में है, जो क्यू डी है वो क्यू और डी के बीच में है ना, ठीक है वैभव, एंड ऑल दीज फोर्सेज आर इक्वल, सो आई कैन रिप्रेजेंट देम एज एफ, आई कैन रिप्रेजेंट देम एज एफ है ना, इन सबको एफ 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 लिख सकती हूँ, सब सेम है, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी सब बराबर है, बराबर है ना, बराबर है ना, ये बात समझ में आती है, सब बराबर है, हाँ जी यार, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी सब बराबर है, क्यू और क्यू सब में सेम है, के सब में सेम है, तो सारे फोर्सेस बराबर है ना, चलो अब सारे फोर्सेस बराबर हो गए। इस डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको F1 बोलते हैं, F1 जो है वो किसके बराबर हो गया, एफ क्यू ए प्लस एफ क्यू सी, क्या हो गया, आई वेट फॉर वन मिनट, अगर वीडियो पॉज हो रही है तो आई वेट फॉर वन मिनट, जब आए तो बताना, चलो ओके नाउ एफ वन इज इक्वल टू एफ क्यू ए प्लस एफ क्यू सी, ये बात समझ में आती है, पहला न्यूमेरिकल समझना मुश्किल होगा क्योंकि दिस इज द स्टार्टिंग, उसके बाद अगला न्यूमेरिकल अपने आप आपसे फटाफट से होगा, सो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, अगले वाले में आप खुद ही डायरेक्शंस मुझे बता रहे होंगे, एफ क्यू ए प्लस एफ क्यू सी दोनों बराबर है, सो दिस विल बी टू एफ, सिमिलरली आई राइट डाउन एफ टू, वॉट इज एफ टू, दैट इज एफ क्यू बी प्लस एफ क्यू डी, और ये भी बराबर है, दैट इज ऑल्सो टू एफ,
ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अगर रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन निकालनी हो, इसको अगर मैं एफ प्राइम लिखूं, तो रिजल्टेंट एफ प्राइम किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा रिजल्टेंट एफ प्राइम? जब परपेंडिकुलर होते हैं दो वेक्टर, तो एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। यस, तो क्या लिखूं इसको, अंडर द रूट ऑफ 2f का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4f स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8f स्क्वायर, 2√2f आ गया, 2√2f आ गया। अब एक f की वैल्यू निकाल दो कोई भी और यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट द आंसर। एक f की वैल्यू निकाल दें और यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, विल गेट द आंसर। एक f की वैल्यू जरा निकालना मेरे साथ, k q q सब्स्टिट्यूट करना जरा, o d की वैल्यू यार, ये अगर a है, ये a है, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट, a बाय रूट टू आया। ये सबको समझ आता है, a बाय रूट टू कैसे आया? उद्भव, उद्भव एक बार देख, उद्भव देख जरा, a और a, तो ये क्या हो गया, रूट टू a हो गया, पूरी एसी इज रूट टू ए हो गया, और इसका आधा कर दे, रूट टू ए का आधा करेगा तो क्या आ गया, ए बाय रूट टू आ गया। मेहर बेटा, मेहर ये बात समझ में आती है? कहां गए? ओके भव्या, ये बात समझ में आती है? ठीक है सार्थक, डिस्टेंस समझ में आता है कि a बाय रूट टू होगा, a बाय रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो गया, 2k q q बाय a स्क्वायर। लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ओवर हियर, सो व्हाट डू आई हैव, दिस इज 2 × 2 दैट इज 4√2 k q q अपॉन a स्क्वायर, सो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स acting at O to a charge kept Q. अगर कोई confusion है तो अभी पूछो, मैं दोबारा बताती हूं, this concept is difficult. इसके बाद अगर superposition समझ आता है तो same चीज electric field में फिर करनी है ना? ये concept में बड़े सारे forces रहेंगे, अभी तक आपके पास सिर्फ दो ही forces थे। F की value, ये value कैसे कितनी आई ये पता चलता है तुझे? यहां तक पहुंचता है? ठीक है, तो यहां पहुंचा, ये f की जगह यहां लगाया, 2√2 और 2, तो क्या बन गया, 2 जो 4, 4√2 k q q अपॉन a स्क्वायर। ठीक है सार्थक, सक्षम, ध्रुव, वैभव, दिस वन इज एफ वन, ये जो डायरेक्शन है दिस इज एफ वन, दिस इज एफ टू। ठीक है, ओके, एफ वन इज सम ऑफ एफ क्यू ए एंड एफ क्यू सी, एफ टू इज अ सम ऑफ एफ क्यू बी एंड एफ क्यू डी। I am not in the rush to run to the next numerical. I just want to be sure कि आपको directions बनानी आ गई इस एक numerical के साथ और उनको कैसे solve करना है वो आ गया। उसके बाद I'll switch to next numerical. मैं दूसरे numerical पे भाग नहीं रही हूं। Because I know this concept is little difficult. हाँ सार्थक, a by 2 यहां पे बोल रहे हैं एफ क्यू डी वाले पे, हाँ यहां पे मैंने ये वैल्यू ओडी की रखी है। देख मैं वहां पे ना स्क्वायर दोबारा बनाती हूं, क्योंकि इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी बहुत कुछ बना हुआ है तो कुछ समझ आएगा नहीं। ए बी सी और ये ओ, ठीक है, ये ए है, ये भी ए है, तो ए सी पाइथागोरस से किसके बराबर आ गया, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट टू ए आ गया ए सी, और OA क्या है, AC का हाफ, मतलब रूट टू ए का हाफ, और अगर रूट टू ए का हाफ करेगा तो A बाय रूट टू आएगा।
अब समझ आता है, अब समझ आता है। हाँ जी जी, इस न्यूमेरिकल को प्लीज नोट करेंगे और अच्छे से समझेंगे। खुद से जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो सारे दोबारा ट्राई करोगे तभी याद रहेंगे, नहीं तो भूल जाओगे। मैं बता रही हूं, भूल जाओगे फिर कुछ नहीं होगा। वीडियो नहीं आ रही, मेहर बेटा प्लीज दोबारा। व्हाट मैक्सिमम आई कैन डू इज आई विल शेयर द वीडियो विद यू। तो आपको ये बोर्ड बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बाकी लोग उद्भव उद्भव मन्नन भव्या वैभव ओके। अभी मैं एक बार इसको बंद कर दूं, मतलब इसको चेंज कर दूं। ओके ये वाला डन है। हाँ ये वाली वीडियो एक बार ही बंद करेंगे और दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। ये अगर आपने नोट करना है तो प्लीज इसको नोट कर दो, बाय द टाइम मैं इसको इरेज करूंगी एंड वी विल स्टार्ट विद द न्यू मीटिंग अगैन, ठीक है। आई सेंड यू अ न्यू आइडिया अगैन, राइट। शैल आई एंड द मीटिंग नाउ? ओके चलो बाय बाय, नोट कर लो एंड आई विल अगेन स्टार्ट अ मीटिंग, बाय द टाइम मैं इसको इरेज कर दूंगी। ठीक है डन, चलिए बाय बाय।